फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार पब्लिक के साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं, जानते हैं पब्लिक का कैसा अनुभव है डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। नमस्कार मैम। मैम सतगुरु तेरा ही आसरा। मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था को आप कितने समय से जानते हो? हमें 35 साल हो गए बेटे। कितना विश्वास करते हो? बहुत विश्वास है, जरूरत से ज्यादा है। हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे सतगुरु हमारे खुदा है, रब है। इतना विश्वास क्यों? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप इतना विश्वास करते हो? आज नहीं करते हैं इतना विश्वास कि ये दारू पीते थे, मुझे खूब मारते थे, मेरे हड्डी तोड़ रखी सारी बेटे। मुझे इसलिए विश्वास है कि उन्होंने सारे इनके ऐप छुड़वा के मुझे अपने चरणों से लगाया। अब आपके पति इसके बाद उन्होंने यहाँ जुड़ने के बाद कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया और मेरे से ज्यादा विश्वास करने लगे। अब मैं देख लो से ज्यादा करते हैं। आपका पति का नशा छुड़वाने के लिए कोई संत जी ने कोई आपसे पैसे मांगे, कोई आपसे चीज ली? नहीं मांगा बेटे, कुछ नहीं मांगा ना कुछ लिया। उन्होंने अपने ही बस खुदा है हमारे रब, अपने आप ही उन्होंने नाम लिया और सुमरन करा, छूट गया सब काम। जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में दूसरी छवि दिखाई जा रही है, जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, उन सब के बारे में क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल झूठा है, ये बेकार, ये जो है ना सरकार बहुत बुरा कर रही है हमारे सतगुरु के साथ। हमारे सतगुरु तो बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसी उन्होंने करा ही नहीं जो ऐसा करेंगे। सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, ये सब बिल्कुल गलत है बेटे। 5 करोड़ से भी 6 करोड़ हो गए, अभी इतनी भीड़ है, इतना मांगते हैं और फिर भी सरकार ऐसा कर रही है हमारे साथ, बताओ आप। फिर सच क्या है, संत जी ने क्या किया है लोगों के लिए, समाज के लिए? संत इतना कुछ किया संत जी ने कि वेश्याओं को अपनी बेटी बनाई, उनकी शादी करवाई, किन्नर जो है उन्हें सुख सम्मान बनाया है ना, किन्नर को ये जुड़ा करवाता, कोई कुछ कहता, और इससे ज्यादा क्या करवावे सरकार, यूं बताओ आप। क्या आज उनकी जरूरत है समाज को? समाज को इतनी जरूरत है कि रह नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता उनके बिना, मैं क्या, कोई नहीं संगत रह सकती। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से संत जी की? हम सरकार से ये कहना चाह रहे थे कि हमारे मालिक को जल्दी से जल्दी बाहर लाए, बस और कुछ नहीं चाहता है मैं सरकार से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की अपील मांगे कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा जल्द से जल्द समाज में वापस आए। उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं। लगातार आपको उन लोगों से बातचीत करवा रहे हैं जो 30-35 सालों से डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रहे हैं और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा को जानते हैं। इनका कहना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा की वजह से इनकी जिंदगी बदल गई, इनके परिवार से नशा खत्म हो गया, इनके पति जो इनको मारते थे, पीटते थे, नशा करते थे, और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने तमाम बुराइयां छोड़ दी और संत जी ने बिना कुछ लिए समाज से बुराइयां हटाने का बीड़ा उठाया है। ये जनता फैक्ट्स बता रही है, अपना अनुभव बता रही है और ये कोई सूत्र नहीं है, एक्चुअली में लोग हैं जो आपके सामने आकर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आप भी देखते रहिए, एक तरफ चंद लोग जो सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाई जा रही थी और चंद लोगों के द्वारा कुछ बोला जा रहा है और हजारों लोग चीख चीख कर आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज द फैक्ट टाइप के साथ और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।